जी सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रोफेसर रजीत सिंह घुमन है। मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच बहुत तीन 30 साल इकनॉमिक्स पढ़ाता रहा, हेड भी सीगा डीन भी सीगा, पर नाल मैं पंजाब गवर्नमेंट की एक कमेटी 2007 तो 9 दे विचाले उन्होंने MSP कमेटी बनाई सी, मैं चेयरमैन गया। आपने बहुत ही नई बातें कहीं आके संसद में जो मैं सुन रहा था, लेकिन अगर आप सरकार को अपना सोल्यूशन बताएं कि MSP को कैसे इम्प्लीमेंट करना हो तो वो क्या बातें होंगी या क्या वो मुख्य कदम होंगे? पहले तो एक बात ये है कि जो CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसको संवैधानिक जो है दर्जा देना चाहिए, एक कंस्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए। दूसरा, उसका जोड़ा स्ट्रक्चर है वो बदलने की जरूरत है। आज क्या है कि दो किसान नेता जो है, किसान एक्सपर्ट्स जो हैं, वो उस पर उसके मेंबर होते हैं, वो भी सरकार तय करती है कि किनको लगाना है, जो उनका जो अवेलेबल आदमी होते हैं उनको मेंबर लगा लेती है, और वो मेंबर लगने के बाद क्या करते हैं, बहुत बारी मीटिंग नहीं होती, बहुत बार उनकी सुनते भी नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि ये एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसका हो, दूसरा हो कि जो हर स्टेट से हर फसल को रिप्रेजेंट करने वाला कोई ना कोई किसान, जो किसान तय करेंगे उसका सदस्य, और उसके बाद जो उसकी सिफारिश होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो सिफारिश होगी वो सरकार को माननी पड़ेगी। जैसे फ्रांस कमीशन है ना, फ्रांस कमीशन को जी को भी सिफारिश है वो सरकार मानती है, तो इस ऐसी तरह ही ये कमीशन होना चाहिए। और उसके अलावा जो MSP निश्चित करने का फार्मूला है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। एक 2015 में 2013 में एक कमेटी बनी थी, डॉक्टर रमेश चंद की चेयरमैन है, उसको रमेश चंद कमेटी कहते हैं। उसने 2015 में अपनी सिफारिश दी थी, सिफारिश में ये लिखा हुआ था, मैंने खुद पढ़ी है सारी वो रिपोर्ट, क्योंकि उसके बिना बात नहीं होती। उसमें लिखा है कि किसान को एक मैनेजर की हैसियत में और स्किल्ड वर्कर समझ कर उसकी जो वेजेस हैं वो डिटरमिन होना चाहिए, और वो जो है कास्ट में जमा करनी चाहिए, और वो जो कास्ट में जमा होगी तो लागत जो ज़्यादा होगी ना, तो जो लागत का बेस लागत है वो बढ़ जाएगी, उसके बाद जो 50% जब जो ऐड होगा तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सो इसके अलावा जो ज़मीन का ठेका है लीज एंड लीज आउट करने का, वो भी मार्केट रेट से बहुत कम होता है। तीसरा है कि किसान लाखों रुपये आजकल खेती मशीनरी में लगाता है, कम से जिन्हें ट्रैक्टर लगा लिया, मोटर लगा ली, ट्रॉली लगा ली, और सामान है जो भी है वो 8-10 लाख रुपया लग जाता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट है वो इसमें ऐड नहीं होता, ठीक है, डेप्रिशिएशन ऐड नहीं होती। इसके अलावा जो आजकल और है कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इशू है कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है, लेवल नीचे जाने की वजह से, वैसे मैं पंजाब में मेरी एक स्टडी है कि पिछले 25 साल में तकरीबन 8 मीटर से लेकर 25 मीटर पानी जो लेवल थले चला गया, इसका मतलब है कि किसान को ट्यूबवेल करना पड़ेगा, और डीपलिंग करने के लिए उसका खर्चा ज्यादा होगा, और बिजली जो है वो ज्यादा लगेगी, हॉर्स पावर ज्यादा होगा, किसान का खर्चा भी होगा, बिजली का खर्चा भी होगा, और उसके जो वो किसी लागत में नहीं होते। पर मैं आपको बताता हूँ कि 7 साल में किसान ने बोर नमक उड़ाया, डीपनिंग करवाया, तो उस पर 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा लग गया, तो 5-7 साल में डिवाइड करके उसको कॉस्ट में गिनो, ठीक है, तो वो नहीं गिनते। इसी तरह इवन PM जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसमें भी जील्ड लॉस करते हैं, ये हूँ जैसे पंजाब वर्गी स्टेट है, जितना मर्जी ड्रॉट हो किसान अपनी फसल को मरने नहीं देता, वो डीजल बाल लेगा, डीजल से अपना ट्यूबवेल चला लेगा, ट्रैक्टर लगा कर चला लेगा, इंजन लगा कर चला लेगा, वो खर्चा जो है उसका कहीं कोई बुरवाई नहीं होती अंदर। सो ऐसे कई मसले हैं, क्योंकि असल में जो ऐसे वाले मुद्दा है वो किसानी के संकट का, देश में 4.5 लाख से ज़्यादा किसान मजदूर सुसाइड कर चुके हैं, और पंजाब में 20,000 जो है वो सुसाइड कर चुके हैं पिछले 20 सालों में, राइट। सो इसलिए ये जो संकट है वो इतना गहरा है कि किसान को आज लग रहा है कि ये जो
अब नए कानून आ रहे हैं ये उसके संकट को और गंभीर बना देंगे और उसके जो रोजी रोटी है उसकी जो लिविंग है लाइवलीहुड है वो खत्म हो तो इसलिए मैं सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कानून को रद्द करने चाहिए लेकिन उसके साथ एक बड़ी कमेटी एक्सपर्ट्स की जिसमें किसान भी हो कि वो जो है उस कमेटी आप ये करें तय कि किसानी संकट क्या है हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर का संकट क्या है किसान को कैसे बचाना है जो किसान खेती से बाहर होंगे उनको कहाँ रोजगार देना है ये बहुत बड़े। सबसे पहले तो आपका नाम और परिचय। मेरा नाम रामचंद्र कुलरी है। मैं अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। राजस्थान से हूँ। धन्यवाद जी। तो आज की जो चर्चा हुई उसमें मुख्य बातें आपको क्या लगें? MSP को कानूनी गारंटी देने की जो बात है उसको लेकर के बहस हुई है संसद में किसान संसद में और ये MSP को कानूनी गारंटी जब तक नहीं मिलेगी तब तक किसान को उसके फसल यूँ ही बाजार में लूटती रहेगी और किसान मतलब साल दर साल घाटे में कर्जे में दबता चला जाएगा। तो इसलिए MSP को कानूनी गारंटी मिले बाकायदा मतलब जो MSP स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C+2 के हिसाब से फसल की लागत का 1.5 गुना भाव तय हो और उसको मतलब खरीदने के लिए चाहे वो प्राइवेट कोई खरीदने वाला हो चाहे वो सरकारी मंडी हो वो खरीदने के लिए बाध्य हो इस बात की मतलब कानूनी गारंटी मिले यानी अगर कोई नहीं खरीदे उस भाव से नीचे खरीदना चाहे तो वो सजा का हकदार हो। ये जो बहस है ये मुख्य तौर पर उभर करके सामने आ रहा है। क्या आपको लगता है MSP के मुद्दे ने पूरे देश भर के किसानों को साथ में ले आया है? बिल्कुल। इस मुद्दे को लेकर के मैं जो सुन रहा हूँ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम जहाँ कहीं भी जाते हैं यहाँ तक कि जो इन तीनों कानून के पक्षधर लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि MSP को कानूनी गारंटी मिले इस बात से तो हम सहमत हैं। तो ये जो समर्थन है पूरे देश भर में हालांकि ये सत्य है कि मतलब तीनों काले कानून है वो किसानों के लिए मौत के दस्तावेज हैं इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन जो उसका समर्थन करने वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि MSP को कानूनी गारंटी मिले इसलिए मतलब मानते हैं कि इसको पूरे देश भर में अच्छा जन समर्थन मिल रहा है जी। अब एक और नई चीज़ देखने को मिली इस आंदोलन ने लाल झंडी हरी झंडी सफ़ेद झंडी सारी झंडियों को साथ में ले आया और एक नया प्रकार की एक नया प्रकार का मोर्चा बनाया है। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन आगे भी जाके किसानों को एक राजनीतिक वर्ग के रूप में सामने प्रकट करेगा? पार्टी नहीं लेकिन राजनीतिक वर्ग या पॉलिटिकल क्लास जिसे कहते हैं। देखिए पूरे देश भर में जो कृषि संकट जिस तरीके से आगे बढ़ा है वो मजबूर कर दिया है पूरे देश के किसानों को गोलबंद करने के लिए और मुख्यतः जो फांसीवादी सरकार है इसने मजबूर कर दिया कि किसानों को एक मंच पर आना चाहिए और वो तमाम किस्म के मतभेद भुला करके तमाम झंडे एक होकर के और आज जिस तरीके से वो आ रहे हैं निश्चित तौर पर इस देश की भविष्य की जो राजनीति तय करने का काम इस देश का किसान करेगा और निश्चित तौर पर ये जो झंडे हैं इनकी एकजुटता बरकरार रहेगी और जो मिनिमम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो उनकी एकता बनी है उन मुद्दों को लेकर के मजबूती के साथ में ये संघर्ष आगे बढ़ेगा इसमें कोई दोराई नहीं वो राजनीतिक संघर्ष में तब्दील होगा। आज हम किसान संसद में हैं और बबात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 3 किसानों से तो सबसे पहले अपना अपना परिचय आप दे दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम पटेल मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से देवास जिला महामंत्री के पद पर हूँ। मैं लाल सिंह बागवान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ में मालवा निमाड़ प्रांत अध्यक्ष ऐसा मेरा दायित्व है। मैं कैलाश पाटीदार राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ में मालवा निमाड़ प्रांत उपाध्यक्ष का दायित्व है मेरा और मैं रहने वाला देवास जिले का ग्राम लिंबोदार। सबसे पहले अगर बात करें तो क्या देवास जिले में और मध्य प्रदेश में जहाँ से आप लोगों का संगठन सब जगह है क्या वहाँ MSP मिलता है? नहीं मिलता है। MSP कहीं पे भी नहीं मिलता है हिंदुस्तान में केवल सरकार खरीद के उसमें मिलता है। क्या आप लोगों को व्यक्तिगत तौर पे कभी MSP मिला है? नहीं मिलता है। अभी MSP का कानून ही लागू नहीं हुआ है इसलिए यही तो मांग कर रहे हैं हम सरकार से कि MSP का कानून लागू किया जाए। और क्या क्या चीज़ उगाते हैं आप लोग? क्या चीज़ की खेती है आपकी? गेहूँ चना लाल तुअर कपास उड़द मूंग सोयाबीन बाजरा लगभग अच्छा। सभी फसलें जो भी फसलें प्याज आलू लहसुन सभी उगाते हैं जी। प्याज आलू की आपने बात की तो इसकी तो बहुत ज़्यादा दाम ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं क्या आपको इससे कुछ नुकसान हुआ या किस प्रकार का अनुभव रहा है आपका? देखिए 5 से 10 साल के बीच में कभी कभार भाव चढ़ते हैं जब बिचौलिए
जो ओवर स्टॉकर हैं जिन पे गवर्नमेंट की कवान ढीली पड़ जाती है, अन्यथा तो अक्सर किसान का प्याज 1 से 1.5 रुपए किलो में लूट लिया जाता है, उपभोक्ता को चाहे वो 30-40-50 रुपए मिले। यही स्थिति सब्जी में है, यही स्थिति दूध में जी। अगर अब एक और विषय पर थोड़ी सी बात की जाए तो क्या आपको लगता है ये किसान आंदोलन किस देश के किसानों को साथ ला पाएगा? बिल्कुल ला पाएगा। किसानों की जो मनस्थिति है अब धीरे धीरे बदल रही है और किसान जागरूक हो रहा है, और यही है कि किसान जब तक जागेगा नहीं तब तक उसको मतलब MSP भी नहीं मिलेगा। और सरकार आपने जो प्रश्न किया कि क्या ये आंदोलन और ये जो किसान हितैषी कार्रवाई चल रही है किसानों को ला पाएगा, आपका प्रश्न ही गलत है। ला पाएगा क्या? किसान तो साथ आ चुका है, इसका सबूत ये सांसद जी। क्या किसान एक राजनीतिक मोर्चे के रूप में सामने आ पाएगा, ये राजनीतिक वर्ग के रूप में? पार्टी नहीं लेकिन एक राजनीतिक मोर्चा। किसान कभी राजनीति नहीं करेगा, किसान अपने हितों की लड़ाई लड़ता है और किसान के हित में देश की तमाम जनता का हित छुपा है, जिसके पेट में भी अन्न मुंह के रास्ते पेट में जाके जो जो जीव पलता है उसका सबका हित किसान की मांग में छुपा है। इसलिए राजनीति की जरूरत है ही नहीं, उसकी स्वयं की नीति दीर्घ है जी। आखिरी सवाल की क्या एक अराजनीतिक संसद हो सकती है? अराजनीतिक संसद ही चल रही है, जो अभी ये संसद चल रही है अराजनीतिक ही चल रही है, क्योंकि ये पूर्णतः गैर राजनीतिक किसानों का एक संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, और राजनीतिक संसद से लड़ने के लिए अराजनीतिक संसद हमने यहाँ चलाई है।